क्वेश्चन में और आगे बढ़ते हुए आपको एक क्वेश्चन और दिया है यहाँ पे। इस तरीके के क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं जिसमें कि आपके अभी तक हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, अलग इसको अलग करते थे, लेकिन अब दोनों का ये डिवाइड है और लगभग क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। संख्याएँ अलग अलग हैं मगर क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे दोनों तरफ पर, बीच में साइन लगा है आपका डिवाइड का। सबसे पहले हम क्या करें, इसको ब्रेक करके देखते हैं। सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे, उसके बाद ही वो एडवांस अप्लाई करते हैं। 5 × 10 और 11/2 माइनस 4 × 16 और 3 × 19/4 डिवाइड बाई, अब आपका ये हो गया है 8 × 24 है ना। 24 में आप 7 जुड़ेंगे कितना होता है, 31 होता है आपका। 31/8 माइनस 8 × 16 = 32, 32 में आपने जोड़ा कितना, 15/7 = 47 डिवाइड बाई आपका हो गया 16। इस तरीके से इतना आपने कर लिया। अपन आप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो दोनों तरफ माइनस है, आप इसके अलावा कोई और साइन तो है नहीं है, तो आप चाहें तो इसको भी पहले कर सकते हैं और आप इसको भी पहले कर सकते हैं। हम जो पहले ऊपर है उसी को उठाते हैं, हमने इसको यहाँ लिया, इन दोनों का एलसीएम आया 4 आपका। कितने बार गया डिवाइड करने पे, 2 बार गया, ये हो गया 22, माइनस 1 बार गया तो ये आपका बचा पूरा 19 का 19 ही रह गया आपका यहाँ पे, ये हो गया। और अब उसके बाद अब आपका ये इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 16 इनका आपका एलसीएम आ जाएगा। चाहे तो निकाल के दिखा सकते हैं यहाँ पे, ये 8 हो गया और ये 16 हो गया। 2 से डिवाइड करोगे 4 बार, 8 बार, फिर 2 से करोगे 2 बार, 4 बार, फिर 2 से करोगे 1 बार, 2 बार, फिर 2 से करोगे 1 बार, 2 × 4 × 8 × 16, ये 16 एलसीएम आया आपका। कितने बार हो गया, 2 बार हो गया, ये हो गया माइनस 62 डिवाइड बाई 1 बार गया, ये हो गया माइनस आपका 47। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, तो 22 में से आपका 19, 22 में से 19 से कितना बचेगा, 3 बचेंगे आपके, तो इसको लिख सकते हैं 3/4 डिवाइड बाई, अब आपको घटाना है इतना 62 में से 47, ये हो गया 62 माइनस 47, तो यहाँ 12 में से 7 गए तो 5 बचा आपका, ये यहाँ हो गया आपका 5, 15 बच गया यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 15/16। इसके बाद अब इसको और सॉल्व करने के लिए 3/4 × 16/15 ऊपर से ऊपर नीचे आएगा पलट जाएगा, 4 × 4 = 4 और 3 × 3 और जो हो जाएगा 3/5 = 15, तो ये हो गया 4/5, इसका आपका ये आंसर।